नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी, आपके साथ इवनिंग एजेंडा में स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। एमपी में मंत्रियों के विभाग बंटवारे पर जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विभाग वितरण को लेकर सहमति बन चुकी है, सूत्रों के हवाले से मिल रही है जानकारी। जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। दरअसल आज देर रात या कल इस पर जानकारी और स्पष्ट तरीके से आएगी जब बंटवारा होगा। दिल्ली के दौरे पर इस वक्त मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिलने की जानकारी मिल रही थी। हालांकि अभी तक जो जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि अब विभागों का बंटवारा किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि सहमति बन चुकी है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों को उनके विभाग दिए जाना बाकी है, उसकी घोषणा मात्र किया जाना बाकी है। लगभग विभाग तय हो चुके हैं कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जानी है। आपको बता दें कि जल्द ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा। आज देर रात या कल बंटवारा संभव है। दिल्ली दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव हैं और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात उन्होंने की। आज देर रात या कल बंटवारा संभव है। जानकारी अब तक जो आई है उसके अनुसार बताया जा रहा है कि दिल्ली दौरे पर आए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। किसको क्या विभाग दिया जाना, इसके संदर्भ में बातचीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी बातचीत और मुलाकात की जानकारी मिल रही है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि विभागों का बंटवारा हो चुका है, सहमति बन चुकी है, लेकिन किसी भी वक्त इसका ऐलान भी किया जा सकता है, ये भी जानकारी मिल रही है। आज देर रात तक या फिर कल मंत्रियों को उनके संबंधित विभाग सौंप दिए जाएंगे, जिसे कि आगे प्रदेश के विकास के लिए उनका निर्वहन उन्हें करना होगा। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे डॉक्टर मोहन यादव, गृहमंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी और उनकी कैबिनेट के जो मंत्रीगण हैं उन्हें किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपना है, कौन किस विभाग की जिम्मेदारी संभालेगा, इसके बारे में लगातार जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं, विभागों का बंटवारा भी, उस पर सहमति भी बताया जा रहा है कि बन चुकी है, ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल, देखिए मध्यप्रदेश में बड़े बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनी है। बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो चुनकर आए हैं, प्रहलाद पटेल हों, कैलाश विजयवर्गीय हों, राव उदय प्रताप हों, और इन तमाम नेताओं को मंत्री भी बनाया गया है। कैबिनेट मंत्रिमंडल के तौर पर इन्हें सदस्य बनाया गया है। और अब बड़ी बात यही है कि इन्हें विभाग कौन से सौंपे जाएंगे, ये एक सबके लिए उत्सुकता का जो विषय है वो बना हुआ है। जिस तरह से लगातार सीएम मोहन यादव के दिल्ली दौरे चल रहे हैं और तमाम वरिष्ठ नेताओं के साथ, आला नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों की जो तस्वीरें वो भी सामने आई हैं, और ये भी जानकारी मिल रही है कि लगभग ये इस बात की तैयार हो गई है कि कौन से मंत्री को कौन से विभाग की जिम्मेदारी दी जा रही है। और अब आने वाले समय में कभी भी ये जो तमाम नाम है वो सामने आ सकते हैं, फाइनलाइज जो नाम है वो सामने आ सकते हैं। सहमति लगभग लगभग जो है बन चुकी है और आलाकमान की मुहर लगते ही मध्यप्रदेश में मंत्रियों को विभागों का जो बंटवारा है वो हो जाएगा, वो कर दिया जाएगा। अब बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से बड़े प्रोफाइल वाले नेता जो है मंत्रिमंडल में शामिल हुए, कैबिनेट के सदस्य बने, उन्हें कौन से विभाग दिए जाएंगे, जो नए चेहरे हैं उन्हें कौन से विभाग दिए जाएंगे, ये हमारे साथ जुड़ गए, उनसे अपडेट ले लेते हैं। विनीत, क्या जानकारी मिल रही है इस वक्त, कहां है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बातचीत के बाद क्या तय हुआ? विनीत, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जानना चाहेंगे इस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहां हैं, किन किन नेताओं से अब तक उनकी मुलाकात हुई, विभागों को लेकर क्या सहमति बनी है? जी आशीष, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी मुख्यमंत्री जो मोहन यादव है वो मध्य प्रदेश भवन में मौजूद है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा वो यहां से दिखाएं और पैन करके दिखाएंगे, तो जैसे कि उनकी जो गाड़ियों का काफिला है वो यहां पर लगा हुआ है, तैयार है। मोहन यादव जो है वो यहां पर मौजूद है। दोपहर में 12 बजे यहां पर आ गए थे वापस गृहमंत्री अमित शाह के साथ मिलने के बाद, और तब से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो यहां पर जो कुछ स्थानीय लोग हैं उनके साथ मुलाकात कर रहे हैं। हालांकि यह लगातार बात आ रही है
जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। हो सकता है कि मुलाकात जो है वो जब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो जाएगी उसके बाद ही वो वापस जाएंगे। तो निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी लगता है कि जो कहीं ना कहीं विभागों को लेकर के पेच जो है वो अभी तक पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है, और इसी कारण हम यह कह सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो उनकी जो प्रस्तावित मुलाकात है वो अभी नहीं हो पा रही है। इस मुलाकात जब पूरी तरह से पीच जो है वो साफ हो जाएगा उसके बाद ही हम यह साफ तौर पर कह सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश के सीएम है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मुलाकात होगी और वहां पर आखिरी मोहर जो है वो लगेगा। इससे पहले जैसा कि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की थी, वहां पर भी काफी मंथन किया गया था विभागों को लेकर के, क्योंकि मंत्रियों का गठन जो है वो हो चुका है, मंत्रियों ने शपथ ले ली है, अब उन्हें क्या विभाग दिया जाए इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंथन हुआ था। और उसके बाद आखिरी मंथन जो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होना था तो वो अभी होना बाकी है। अब जैसे ही उन्हें समय मिलता है केंद्रीय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उन्हें जेपी नड्डा का जैसे ही समय मिलता है वो वहां पर जाएंगे और आखिरी मुहर जो है वो वहां पर लगेगा। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसके अनुसार भोपाल की वापसी का कार्यक्रम है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी पेच फंसा हुआ है जिसके कारण जो मीटिंग है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उसमें थोड़ी सी देर हो रही है। बिल्कुल, और इस देरी के पीछे का कारण क्या ये भी देखने का विषय होगा। विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया वासु और विनीत आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, मंदसौर से बड़ी खबर जहां डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का बयान आया, जल्द विभागों का बंटवारा होगा उन्होंने कहा और जो भी विभाग मिलेगा सभी को मंजूर होगा। वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है जगदीश देवड़ा ने कहा, और कांग्रेस पार्टी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। आपको बता दें कि वरिष्ठ नेताओं से बातचीत चल रही है, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस पर अपना बयान दिया और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी जो बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को घेर रही है कि विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है, मुख्यमंत्री बनने में बड़ा समय लग गया, तो उस पर भी जवाब उन्होंने दिया। मंडल में काफी हमारे वरिष्ठ लोग आए हैं तो विभाग भी थोड़ा सा उस हिसाब से ऊपर वाले बैठ करके सब विचार विमर्श करके देंगे, लेकिन करेंगे सब साथ में काम। किसी को भी कोई भी विभाग मिलेगा तो स्वीकार होगा, काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, टीम भावना से काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस पहले अपनी अपनी बुझा ले, कांग्रेस पहले अपने गिरेबान में झांक ले कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। उनको दूसरे दलों में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। सरकार भाजपा की बना दी, उनकी दया से नहीं बनी है सरकार। सरकार बनी है प्रजातंत्र में जनता के आशीर्वाद से, जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनको एक तरफ कर दिया, तो अब उनको उनका समझ लेना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। क्यों क्यों बीच में कर रहे हैं, वो दाल भात में मुसल चैन वो कर रहे हैं बीच में। भारतीय जनता पार्टी सक्षम है, सरकार सक्षम है, सब काम अपना कर लेगी, कर ही रही है। और इंदौर में भी बुलडोजर इस वक्त एक्शन में नजर आ रहा है, एक निर्माणाधीन इमारत को बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। दरअसल नगर निगम के द्वारा कार्रवाई की गई, नदी के 30 मीटर के दायरे में यह इमारत थी, रोक के बाद भी इसका निर्माण कराया गया और ऐसे में प्रशासन ने अब अपना बुलडोजर उठाया और इस निर्माणाधीन इमारत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जब निर्माणाधीन इमारत की कंस्ट्रक्शन को न सिर्फ रोका गया बल्कि जो कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर था उसे भी ध्वस्त किया गया, यानी जो निर्मित ढांचा था उस ढांचे को भी दहा दिया गया और कार्रवाई उस पर की गई। छतरपुर में प्रशासन ने अपराधियों के अवैध निर्माण पर भी बुलडोजर चलाया, मामला बिजावर का है जहां हत्या के दो अपराधियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, इन पर आरोप है हत्या का और अवैध निर्माण था जिनका निध्वस्त किया गया, जिस पर पुलिस और प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल वहां तैनात रहा। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, एक तरफ हम आपको छतरपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं अपराधियों के ऊपर की गई कार्रवाई की, जो कि अपराध में संलिप्त है।
और खंडवा अग्निकांड मामले में बड़ा अपडेट आया, मलबे से सिलेंडर्स निकल रहे हैं, गैस रिफिलिंग मशीन भी यहां से निकली है। आरोपी के घर के नीचे तहखाना बना हुआ था, पुलिस ने खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। अवैध गैस गोदाम में जो आग लगी थी, आपको याद होगा ये दुर्घटना जिस पर कि लगातार कई ब्लास्ट हुए थे और काफी देर तक धमाके होते रहे थे, 17-18 धमाके यहाँ हुए थे। और यहाँ पर अब जो गैस की एक तरह से अवैध गोदाम जैसा यहाँ पर गैस का बना हुआ था। में राजेश उर्फ राजा के मकान में बुधवार रात को आग लगी। यहाँ अवैध रूप से सिलेंडर का भंडारण था, एक के बाद एक कई ब्लास्ट हुए। ये मकान बर्बादी का मंजर दिखा रहा है या तबाही का मंजर है और लगातार तीसरे दिन भी यहाँ काम जारी है। मलबा जो है यहाँ का वो अब भी सिलेंडर उगल रहा है। यहाँ जो मकान है उसके पिछले हिस्से में सिलेंडर मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि टीम यहाँ लगातार जुटी हुई है और सिलेंडर निकाले जा रहे हैं। घटनाक्रम का ये तीसरा दिन है, पुलिस की टीम, खाद्य विभाग की टीम और जिला प्रशासन की टीम लगातार यहाँ काम कर रही है कि यहाँ जिसका मकान है राजेश उपराजा, उसके खिलाफ कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। बड़ी बात यह है कि इंदौर संभाग के आयुक्त ने यहाँ की रिपोर्ट मांगी थी और जो रिपोर्ट भेजी गई उसके बाद जो फूड इंस्पेक्टर है अमित चौहान, उन्हें निलंबित कर दिया गया, लापरवाह माना गया और यही जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की गई है। साथ ही इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ लगातार तीसरे दिन भी मलबे में से सिलेंडर मिल रहे हैं। एक बड़ा जो घटनाक्रम था वो यहाँ हुआ, हालांकि राहत की बात ये रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, 7 लोग घायल हुए जिनमें से 2 का उपचार इंदौर में चल रहा है। आगे और भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है, कितनी बड़ी कार्रवाई होगी ये आने वाला वक्त बताएगा। अमित जायसवाल, न्यूज 18 खंडवा। और खबर सिवनी से, जहां केवलारी नगर परिषद के अध्यक्ष सुनीता बघेल के पति देवी सिंह बघेल ने नगर परिषद की बैठक में हंगामा किया। हंगामे का वीडियो भी सामने आया। दरअसल नगर परिषद कार्यालय में शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा की चर्चा के लिए बैठक की गई थी, जिसमें सभी की सहमति से प्रस्ताव बनाया जा रहा था। तभी नगर परिषद अध्यक्ष पति ने बैठक में दखलअंदाजी करते हुए पार्षदों और उपयंत्री से विवाद शुरू कर दिया। अध्यक्ष पति ने उपयंत्री को धमकी तक दे डाली। घटना के बाद पार्षदों और उपयंत्री ने अध्यक्ष पति पर नगर परिषद के काम में अनावश्यक दखल देने के गंभीर आरोप लगाए। वहीं घटना के बाद उपयंत्री और पार्षदों ने केवलारी थाने में अध्यक्ष पति की शिकायत दर्ज कराई। नगर परिषद सीएमओ ने प्रशासनिक स्तर पर मामले की शिकायत करने की बात कही है। कार्यालय में सभी पार्षद महोदय के बीच में जो है हमारे कार्यालय का जो काम होता कर रहे थे हम लोग, और इतने में अध्यक्ष पति आए और वो जो है अभद्रता करने लगे। मैंने उनसे कहा कि आप जो है पूछने वाले कौन होते हैं, हमारे नगर परिषद का काम है। सबकी बैठक के कुछ एजेंडा लिखे जा रहे थे, उस बीच में पार्षद पति द्वारा चेक किया गया, क्योंकि हमारे इंजीनियर साहब वहाँ पे पा रहे थे, उन्हें धमकी दी गई कि आप ये नहीं करोगे उन्हें घर में जिसको पास हुए थे किस आधार पर कर। उसी बीच में अध्यक्ष मतलब मैडम भी मौजूद थी, उन्होंने द्वारा पत्नी कहा गया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के आसपास अक्सर मारपीट की खबरें आती रही हैं, और ऐसा ही एक वीडियो फिर से सामने आया जहां महिलाएं आपस में एक दूसरे पर हाथ चला रही हैं और इस दौरान महाकाल मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ भी लगी हुई है। और घटना महाकाल थाने से महज 50 मीटर दूरी पर हुई और यहां पुलिस मौजूद भी थी, इसके बावजूद ये सब कुछ होता रहा। श्रद्धालुओं के मन में इस तरह की घटनाओं को देखकर एक खौफ का सा माहौल बन जाता है। उज्जैन एडिशनल SP जयंत राठौर ने बताया कि रुद्राक्ष बेचने वाली महिलाओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और विवाद के बाद सभी को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। साथ ही मंदिर के आसपास परिसर में इस तरह से रुद्राक्ष बेचने पर भी रोक लगाए जाने की बात कही जा रही है। मंदिर के आसपास जो डेरे वाली महिलाएं हैं वो अपना जीवन चलाने के लिए माला बेचने आदि का कार्य करते हैं। समय समय पे पुलिस एवं नगर निगम एवं प्रशासन द्वारा उनको वहाँ से हटाया जाता है। पूर्व में भी इस प्रकार की एक घटना प्रकाश में आई थी जिसमें पुलिस के द्वारा संज्ञान लेकर कार्रवाई की गई है।
आज भी जो महिलाओं के झगड़ने का आसपास लोगों द्वारा जो वीडियो बना के डाला गया है उस पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। और धार में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,03,00,000 की अवैध शराब बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद से ही अवैध शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर से अवैध शराब परिवहन की सूचना मिली थी। इसी आधार पर पुलिस ने 2 वाहनों की घेराबंदी कर दोनों गाड़ियों को रुकवाया। इनमें से 1,03,00,000 रुपए की 600 पेटी महंगी अंग्रेजी और अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार भी किया और अवैध शराब इंदौर से गुजरात ले जाई जा रही थी। अंग्रेजी शराब 2 आयसर में भरकर, एक मेहरून कलर की आयसर और एक सफ़ेद रंग की आयसर भरकर अंग्रेजी शराब महाराष्ट्र से अजमेर की ओर ले जाना था, जिसको गुजरात की तरफ ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर लवरौदा फाटे पर वाहन चेकिंग शुरू किया। थोड़ी देर बाद दोनों आयसर गुजरात तरफ जाती पाई गई, जिन्हें रोककर चेकिंग किया, जिसमें अंग्रेजी शराब भरी होना पाई गई। एक आयसर में 400 पेटी अंग्रेजी शराब और एक आयसर में 200 अंग्रेजी शराब भरी होना पाई गई। कुल शराब की कीमत 1,03,00,000 रुपए है और वाहनों की कीमत 10-10 लाख रुपए है। 20 लाख रुपए वाहनों की कीमत है। प्रकरण दर्ज कर विवेचना की जा रही है। और गुना बस हादसे के बाद रतलाम में भी प्रशासन बसों की चेकिंग में जुटा हुआ है। पूरे जिले में बीते 2 दिन से जारी चेकिंग में 112 से ज्यादा बसेस का फिटनेस परमिट और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है। और इतना ही नहीं, बस का फिटनेस सर्टिफिकेट बस के सामने चस्पा किया जा रहा है। बिना फिटनेस चल रही बसेस को पुलिस ने जब्त भी किया, जबकि रतलाम आरटीओ दीपक मांझी छुट्टी पर चल रहे हैं। पुलिस का फोकस आदिवासी अंचलों में जारी ओवरलोडेड और ओवर स्पीड पर है, जिस पर पुलिस नकेल कसने की तैयारी में है। कल और आज में मिला के लगभग 112 बसेस अभी तक चेक की जा चुकी है, जिसके अंदर जो है वो कुछ बसों के ऊपर जुर्माना भी किया है और 3 बसेस जो है वो जावरा में खड़ी करवा दी गई है, जिनकी फिटनेस नहीं है और बिना फिटनेस के वो गाड़ियां जो है वो चला रहे थे। इन 3 बसेस को पूरा प्रकरण बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज भी अभी हमारी लगातार कार्यवाही चल रही है अलग अलग जगहों पे, और जहाँ जहाँ पे भी बिना फिटनेस की गाड़ी दिखेगी उन सभी गाड़ियों को जब्ती करके कोर्ट में उनका प्रकरण पेश किया जाएगा। और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी बस चालकों से कि आप लोगों का जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है वो आपके विंडस्क्रीन पर साइड में एक जगह पर लगा के रखिए। आपका फिटनेस सर्टिफिकेट प्रॉपर होना चाहिए और बसेस को जो है वो पूरा प्रॉपर चेक करके ही उसमें सवारियां भरें। और गुना में बस हादसे के बाद भी भिंड जिला परिवहन विभाग चौकन्ना नहीं हुआ। यहां पर अनफिट बसेस, अनफिट रास्ते, अनफिट गाड़ियां, बेहद खस्ता हाल स्थिति में सड़कों पर सवारी बस चल रही हैं। बसों में न तो ठीक से बैठने के लिए सीट है, न खिड़कियां हैं, फिर भी बसें सरपट दौड़ रही हैं। हमारे सहयोगी ने कुछ ऐसी ही बसेस का जायजा लिया जिसमें हॉर्न छोड़ के बाकी सब कुछ बज रहा था। यात्रियों के ध्यान में रखा जा रहा है, वो जरा एक बार दिखाएं कि यात्रियों को इस भीषण सर्दी में यहाँ पर विंडो भी नसीब नहीं हो पा रही है और यहाँ पर खुले में यात्रा कर रहे हैं। यहाँ तो कांच है न सीटें दुरुस्त की जा रही हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे किस तरह से बसों को यहाँ पर फिटनेस दी गई है और इसी फिटनेस के किस के सर्दी के वजह से काफी यात्रियों को परेशानी भी आ रही है। अरे सर, सर्दी में बहुत परेशान है यार, सवारी लेडीज सवारी है, सभी बहुत परेशान है। नहीं है, कहाँ है, दिख रहे आपको आंखों के सामने? अभी बच्चे जाते हैं, अभी बच्चे शादी के, वो बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सर्दी में इतने बहुत परेशान बीमार हो जाते हैं। मुझे लगता है डे बाय डे मांगते हो आप, इतना किराया मांगते हैं 100 रुपए ग्वालियर का। कई बसें यहाँ पर देखने में आया है कि यहाँ पर धक्का लगाकर स्टार्ट की जा रही है। हमारे सहयोगी से कहेंगे कि एक दिखाइए आप किस तरह से यहाँ पर बसों को धक्का लगाकर स्टार्ट किया जा रहा है। और यहाँ पर जो बसें बताई जाती हैं कि सारी बसें फिट बसें हैं, जो यहाँ पर परमिट लिया गया है उनकी फिटनेस चेक की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अनफिट बसें भी इस समय
भिंड से दौड़ रही हैं, फर्राटे भर रही हैं। भिंड से न्यूज 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। और नए साल के स्वागत के लिए उज्जैन में तैयारियां जोरों पर हैं। आपको बता दें कि नए साल के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग उज्जैन पहुंचते हैं और नए साल की शुरुआत बाबा महाकाल के दर्शन से करते हैं। ऐसे में शहर में भारी भीड़ हो जाती है। लोगों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए प्रशासन ने बैठक कर योजना तैयार की है और बैठक में कई फैसले लिए गए जिसके चलते लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी बैठक की जा रही है। जो भीड़ थी उसको देख के हमें अनुमान है कि 1 जनवरी को बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। ऐसे भी परंपरागत रूप से 1 जनवरी को श्रद्धालु आते हैं, तो श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो इसके लिए सारी तैयारियों के संबंध में बैठक थी और एक एक बिंदु पर विचार किया गया। हमें उम्मीद है कि लगभग 10 लाख लोग आएंगे, उसके हिसाब से व्यापक तैयारियाँ की जाएंगी। वर्ष का जब आगमन होगा तो दर्शनार्थी भी काफ़ी संख्या में आएंगे। इसी को लेकर जो दर्शन व्यवस्था है वो पार्किंग डाइवर्जन व्यवस्था और किस प्रकार से कहाँ से कैसे कैसे मूवमेंट रहेगा उस पर गंभीर अध्ययन और चिंतन किया गया और ये हमारा प्रयास रहेगा सभी के दर्शन सहसा सुगमता और सरलता से हों। छत्तीसगढ़ में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नए साल के जश्न पर पानी फिर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश होगी। सरगुजा संभाग में बारिश की संभावना है, जानकारी मिल रही है। भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बारिश होगी। आपको बताते चले हैं कि भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है और नए साल के जश्न पर पानी फिर सकता है। और यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।